नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आज भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा T20 मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में एक बार फिर से श्रेयस अय्यर का बल्ला नहीं चला। 13वें ओवर के चौथी गेंद पर 13 रन बनाकर श्रेयस अय्यर आउट हो गए। लोकी फर्गुसन का वो शिकार बने, लेकिन एक बार फिर से श्रेयस अय्यर शॉर्ट पिच गेंदों के सामने डरते हुए नजर आ रहे थे, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, परेशान नजर आ रहे थे। और इन शॉर्ट पिच गेंदों के डर के चलते श्रेयस अय्यर ने एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम बना लिया, या कहें कि टीम इंडिया के नाम कर दिया, जिसके बारे में सोचना पड़ेगा। दरअसल अगर हम टीम इंडिया के इस दो पिछले लगातार दो मैचों की बात करें, तो टीम इंडिया ने पिछला मैच T20 विश्व कप में खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, जहां पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। उस मुकाबले में भी टीम इंडिया के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या इसी तरीके से हिट विकेट आउट हुए। उनका भी पैर आपको पता होगा आखिरी गेंद पर विकेट से लग गया था, हालांकि वो बाउंड्री गई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या को बाउंड्री नहीं मिली थी, हिट विकेट आउट हो गई थी। और उसके बाद जब टीम इंडिया लगातार अपना दूसरा मुकाबला खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो यहां भी श्रेयस अय्यर हिट विकेट हो गए। मतलब T20 क्रिकेट में टीम इंडिया इकलौती ऐसी टीम बन गई है जिसके दो बल्लेबाज लगातार दो मैचों में हिट विकेट हुए हो। अब से पहले T20 के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि लगातार दो मैचों में टीम इंडिया किसी भी टीम के दो बल्लेबाज लगातार हिट विकेट हुए हो। भारत ने पिछला मुकाबला आपको पता है T20 विश्व कप में खेला था, उसके बाद में टीम इंडिया भी ये मुकाबला खेल रही है, और दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया के दो बल्लेबाज हिट विकेट हुए। तो ये टीम इंडिया के नाम एक जाहिर तौर पर बड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड है, क्योंकि हिट विकेट होना जाहिर तौर पर बल्लेबाज की टेक्निक को दिखाता है कि किस तरीके की टेक्निक के साथ बल्लेबाज खेल रहा है, कितना पीछे हटके खेल रहा है। लेकिन श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या दोनों बल्लेबाज लगातार दो मैचों में हिट विकेट हो गए थे। वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन अलग थी, लेकिन यहां पर श्रेयस अय्यर शॉर्ट पिच गेंदों पर थोड़ा सा डरते हुए नजर आ रहे थे लोकी फर्गुसन के सामने। लेकिन अगर श्रेयस अय्यर की मैं बात करूं या टीम इंडिया की बात करूं, तो केएल राहुल, हर्षल पटेल, हार्दिक पांड्या और उसके बाद चौथे खिलाड़ी अब श्रेयस अय्यर बन गए हैं T20 में भारत की तरफ से जो हिट विकेट हुए हों। तो हिट विकेट होकर श्रेयस अय्यर ने जाहिर तौर पर एक अलग तरीके का शर्मनाक रिकॉर्ड टीम इंडिया के नाम कर दिया है। लगातार दो मैचों में दो बल्लेबाज टीम इंडिया के हिट विकेट हुए हैं। तो आपका श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, लगातार इसी तरीके की जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।